मासूम बच्चे के साथ शराब पिलाकर कुकर्म। अलीगढ़ में एक मासूम के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी पर कुकर्म का लगा आरोप। पीड़ित बच्चे के साथ पिता ने आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। आरोपी पर तहरीर में बहला फुसला कर घर ले जाकर शराब पिलाने और रात को कुकर्म करने का लगा आरोप। पुलिस जांच में जुटी। थाना खैर इलाके गांव अहरौला का पूरा मामला है। जानकारी के मुताबिक इलाके के एक युवक ने करीब 14 वर्षीय मासूम युवक को घर पे बुलाया और अपने घर ले गया, जहां उसने शराब का सेवन किया। इतना ही नहीं, अपने साथ साथ 14 वर्षीय मासूम बच्चे को भी जबरन शराब का सेवन कराया। बच्चे को जब नशा हो गया तो उसे आरोपी के घर पर ही नींद आ गई। बच्चे और उसके पिता ने थाने में तहरीर दी कि इस दौरान रात को आरोपी युवक ने बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। की शिकायत संबंधित थाने में तहरीर देकर की गई है। पुलिस जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अच्छा, तुम्हारे साथ में क्या घटना हुई है? मैं रात को जब बाहर सो रहा हूँ गेहूँ के जोड़े, तो वो रात को उठा के ले गए मोहम्मद नगर के भीतर कमरा बंद कर लो और दारू पिया रहे, जबरदस्ती कर रहे मेरे संग। दारू न मैं न दारू न पी रहा, तो मैं नार भींच रही और तमंचा डाल दो नार पे। अच्छा, और भी कुछ क्या हुआ था? गलत काम कर रही। गाँव आया हुआ था बल्लभगढ़ से, तो क्या नाम है, लड़का बाहर सोया हुआ था, तो मेरे पड़ोसी का लड़का विष्णु, उसने मेरे लड़के को रात को 9:30 बजे करीब अपने घर में ले गया, जाके ले जाके गलत काम उसके साथ में किया और जब दारू पिलाई, दारू नहीं पी तो लड़के की गर्दन दबाई और तमंचा उसके सिर पर रख दिया, नहीं पिया तो मारेंगे, जान से मारने की धमकी दी। फिर मेरी मम्मी भी वहाँ गई, तो मम्मी को भी धमकी दी उसने। अच्छा, पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस देखो, अभी तो तहरीर लिखी जा रही है। खबर जगत 24 न्यूज अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।